भीम आरपी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी अब राजस्थान के 2023 में होने वाले चुनावी रण में पूरी तरीके से उतर चुके हैं। दरअसल 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है, सभी पार्टियां अलग अलग तैयारियां कर रही है। बीएसपी, असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस, बीजेपी के सहित आरएलपी और अन्य राजनीतिक दल जो राजस्थान में कार्यरत है वो भी लगातार अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच भीम आरपी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अपनी सियासी जो रैलियां हैं वो बूंदी से शुरू की थी। बूंदी राजस्थान से वहां पर उन्होंने नेनवा के अंदर एक कार्यक्रम किया था और नेनवा के कार्यक्रम के बाद अब वो भादरा हनुमानगढ़ के अंदर कार्यक्रम करेंगे। उस दौरान नेनवा में जब रैली की थी तब चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि वो राजस्थान के प्रत्येक संभाग के अंदर रैली करेंगे। इसी के चलते उन्होंने भादरा हनुमानगढ़ को चुना है और भादरा हनुमानगढ़ में रैली करेंगे। हरियाणा की तरफ से जो आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद आएंगे और भादरा में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भीम आरपी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कल भादरा के अंदर एक रैली को है वो संबोधित किया जाएगा। बहुजन स्वाभिमान महान्याय सम्मेलन के नाम से इस कार्यक्रम को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए अजय हुड्डा और अन्य कलाकार भी आने वाले हैं, जिसमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपनी बात रखेंगे। और इस घटना पूरे कार्यक्रम का लाइव जो प्रसारण है वो आप हमारे चैनल पर सुबह से ही देख पाएंगे। मिलेंगे किसी नए अपडेटों के साथ। अब आप चले तो विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।